हेलो गाइस, आप सभी कैसे हो? तो अच्छे होंगे। यू आर वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्रिया डिमांड डॉट 99 पर। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रिया डिमांड डॉट 99 पर। आइए आज हम संसद के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है गाइस, संसद क्या होती है? संसद क्या होती है? भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायिका निकाय ही संसद कहलाती है। ठीक है, संसद तीन चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनती है। सबसे पहले बात करते हैं हम राज्यसभा की, कि राज्यसभा क्या होती है। भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा को हम राज्यसभा कहते हैं। संसद की जो ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा होती है उसको हम राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन और उच्च सदन और द्वितीय सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन, उच्च सदन और द्वितीय सदन भी कहते हैं। जो राज्यसभा होती है वो आर्टिकल 80 में आती है। क्वेश्चन ये आ जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं और उसमें ये इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आर्टिकल राज्यसभा किस आर्टिकल के तहत है? 80 के है। राज्यसभा सदस्यों के जो कार्यकाल होता है उनके कितना होना चाहिए? 6 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, अगर 30 साल का है तो वो बन पाएगा, नहीं तो वो नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, राज्यसभा का भी भंग नहीं होती क्योंकि इसमें 1/3 भाग हर 2 वर्ष के बाद निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, 1/3 भाग हर 2 वर्ष के बाद निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, अधिकतम संख्या 250 होती है। सीटें, अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? मैक्सिमम कितनी होती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे विज्ञान, खेल, सामाजिक सेवा, कला, साहित्य, इन सब से। ठीक है गाइस, राज्य सभा सदस्यों के होती है को शपथ कौन दिलाता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। राज्यसभा का अध्यक्ष पदेन सभापति होता है। कौन होता है? पदेन सभापति होता है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम राज्यसभा के बारे में। आपको पता चल गया होगा राज्यसभा क्या होती है, इसमें कौन कौन से अस्थायी सदन, एक उच्च सदन, द्वितीय सदन कहते हैं, और 80 आर्टिकल 80 के तहत आता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, इसके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? 250 होती हैं। वर्तमान में कितनी? 245 है। और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र से। ठीक है, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पदेन सभापति होता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम लोकसभा की। लोकसभा क्या होती है? संवैधानिक रूप से लोगों का सदन को ही हम लोकसभा कहते हैं। ठीक है, तो लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रथम सदन। ठीक है, इन क्या क्या कहते हैं? निम्न सदन, अस्थायी सदन और प्रथम सदन। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अधिकतम सीटें कितनी होती हैं इसमें? 552 होती हैं। ठीक, अधिकतम यानी मैक्सिमम सीटें कितनी होगी? 552 होती हैं। वर्तमान में 545 होती हैं। कितनी होती हैं? 545 है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि 2 ही सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। कितने? 2 सदस्य ही चुने जाते हैं। ठीक है, जो लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? जनता का सदन भी कहते हैं इसको, जनता का सदन भी कहते हैं। इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, और किस आर्टिकल में आता है? वो 81 में आता है। राज्यसभा आर्टिकल 80 में था, लोकसभा आर्टिकल कितने में है? 81 में है। ठीक है, उसकी जो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए थी सदस्यों की? 30 वर्ष। और इसमें लोकसभा में कितनी है? 25 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। ठीक है, राष्ट्रपति जी के बारे में। भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 के तहत है।
पार्ट भाग में किस में आता है? पांच में, ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत आता है? किस अनुच्छेद के तहत आता है? 52 के तहत, ठीक है। जो राष्ट्रपति बनने की कितनी वर्ष होनी चाहिए इसकी आयु? 35 वर्ष होनी चाहिए। आर्टिकल जो इसका निर्वाचन होता है वो किस आर्टिकल में आता है? 54 में आता है। किस में? 54 में आता है। और शपथ ग्रहण जब करता है तो किस आर्टिकल में करेगा वो? किस में करेगा? और 60 में करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है 60 में। राष्ट्रपति शपथ ग्रहण किस में करता है? 60 में करता है, ठीक है। और एक इसमें आती है जो महाभियोग, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस में आते हैं? 61 में। यो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ये कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? 61 के तहत है। तो इसमें अब आपको पता चल गया संसद किन दो शब्दों से और राष्ट्रपति इन तीनों चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है गाइस। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है और राष्ट्रपति क्या है, इन तीनों से मिलकर हमारी संसद तैयार होती है, ठीक है गाइस। मैंने इसमें इसके बारे में सब कुछ बता दिया, कितनी इसकी आयु होनी चाहिए, लोकसभा के सदस्यों की कितनी आयु होनी चाहिए और लोकसभा राज्यसभा सदस्य की कितनी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। और राष्ट्रपति की कितनी है, राष्ट्रपति की कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट करके बताना नीचे बॉक्स में कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, इसमें से एक एसएससी जीडी में जो पेपर चल रहे हैं एग्जाम, तो उसमें एक क्वेश्चन इनमें से जरूर आएगा, ठीक है गाइस। तो थैंक यू सो मच, इस वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है।